लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनती दिखाई दी। ऐसे में आज संसद भवन का पहला सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे ऐसे चेहरे इस बार पार्लियामेंट में पहुंचने वाले हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आजाद की। मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद ने तकरीबन 150,000 वोटों के साथ नगीना सीट से भारी बहुमत से जीत हासिल करी है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद आज संसद भवन पहुंचने वाले हैं, पहले सत्र में शामिल होने वाले हैं। और पहले सत्र में संसद भवन में क्या कुछ यहां पर चंद्रशेखर आजाद कहते नजर आएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कहा करते थे कि दलितों का भी एक ऐसा नेता होना चाहिए जो आपकी आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचा सके, आपकी आवाज को पार्लियामेंट तक रख सके और सरकार तक आपकी जो बात है, आपकी जो मांगे हैं उनको रख सके। ऐसे में कहा जा रहा है आज चंद्रशेखर आजाद आरक्षण का जो मुद्दा लेकर यहाँ पर विपक्ष आया था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, इस मुद्दे को इस बार एक बार फिर से यहाँ पर पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद उठा सकते हैं। देखिए, भले ही एएसपी पार्टी से अकेले चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज करी और अकेले ही सांसद होंगे चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी से जो संसद भवन पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की तुलना बड़े बड़े नेताओं से की जाती है। बात हम कर ले अखिलेश यादव की, बात हम कर ले राहुल गांधी की, बात कर ले मायावती की, आकाश आनंद की, तमाम ऐसे नेता हैं। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद देखिए पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, पहले सत्र में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ कहते नजर आएंगे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए जो दलित समाज है वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो चंद्रशेखर आजाद थे वो बातों ही बातों में सिर्फ बात करते नजर आ रहे थे, लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद को वो मौका मिल रहा है कि पार्लियामेंट में दलितों की आवाज रखे, दलितों की मांगे रखे, क्योंकि पेपर लीक का जो मुद्दा था उसको भी इस बार चंद्रशेखर आजाद ने बहुत अच्छे तरीके से भुनाने की कोशिश करी। हालांकि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद ओम बिरला जी से मुलाकात करते नजर आए थे, जो पहले पूर्व यहाँ पर स्पीकर रह चुके हैं पार्लियामेंट के और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। ऐसे में उनसे मुलाकात के बाद ही कयास तो लगाए गए थे कि चंद्रशेखर आजाद एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन सभी अटकलों पर रोक लग चुकी है। ऐसे में आज पार्लियामेंट आजाद पहुंचने वाले हैं, तमाम ऐसे नेता हैं और भी कई सारे नेता हैं। बात करें पप्पू यादव की, पप्पू यादव भी पार्लियामेंट पहुंचेंगे, क्या कुछ पूनिया के लिए कहते नजर आएंगे। दरअसल पूनिया को लेकर उन्होंने कहा था कि भाई पूनिया है, धरती है मेरी, मैं चाहता हूँ इसको उपराजधानी बिहार की बनाई जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर सांसद करते तो नजर आए, लेकिन अब वो पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं पहले सत्र में, क्या कुछ कहते नजर आएंगे, क्या वो आवाज बन पाएंगे जो जनता के सामने बनने की कोशिश कर रहे थे या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।